हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम आप सबको। और आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग्स में। तो आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, जो ऐसा काम कर रहे हैं उनको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जो समझने वाला है वो समझ जाएगा और उसको अच्छी भी लगेगी। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते से आपने टाइटल देख लिया है कि अगर एक बात मान ली होती तो आज शायद मरने की नौबत ना आती। तो वो बात क्या है, वो किसके लिए बोल रही हूँ, तो वो आप आगे आप वीडियो में कंटिन्यू देखिए। तो बहुत से कमेंट आते कि आप श्रद्धा के ऊपर आपने कोई वीडियो नहीं बनाई, श्रद्धा के इसके ऊपर आपने कोई वीडियो नहीं बनाई, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहती हो, बस आप तो एक के पीछे पड़ी हुई हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने और भी बहुत सारी वीडियो बनाई हैं अंजू से अलग, ऐसा नहीं कि अंजू के ऊपर ही वीडियो बनाई है, बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं जो अंजू से भी अलग हैं। आप लोग नहीं देखते हो तो शायद आपकी गलती है, लेकिन मैं बनाती जरूर हूँ। जो भी टॉपिक मुझे सही लगता है मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाती हूँ। तो जो आज की वीडियो है वो श्रद्धा के ऊपर। तो आज के टाइम पे क्या हो गया है कि माँ बाप की बात तो मानना बिल्कुल बंद ही हो गया है, क्योंकि माँ बाप तो कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ एक तुम्हारे नौकर हैं जो 25 साल तक तुम्हारा खाना पीना सब करते हैं, उसके बाद तुम उन्हें छोड़ के भाग जाते हो, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी का फैसला लेने का हक कानून को हो जाता है। तो अरे तुम्हारे बाप ने होटल खोले हुए हैं क्या कि तुम्हारा 25 साल तक, 20-25 साल तक तुम्हारा सब खाना पीना, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, और जब उनको कुछ चाहिए होगा तो तुम उन्हें छोड़ के भाग जाओगे। जो मैं ये नहीं कहती प्यार करना गलत है, लेकिन जो ये प्यार चक्कर पड़ते हैं ना, इनको क्या लगता है कि सिर्फ जिस टाइम भी माँ बाप मना करते हैं कि नहीं शादी मत करो, जिससे हम कहते हैं उससे करो, कि ये तो मतलब उनकी कोई 25 साल, जो उनका 20 से 25 साल का जो प्यार होता है वो कुछ मायने ही नहीं रखता, वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है, कुछ है ही नहीं। सिर्फ क्या मायने रखता है, हमारा प्यार, जो 1 साल 2 साल 4 महीने 5 महीने से जो जिस लड़के से मिल जाते हैं वो प्यार रह जाता है, उसे नहीं देखते जो तुम रात भर जाग जाग के तुम्हारे कमा के लाते हैं, तुम्हें गीले में से हटा कर खुद गीले में सो जाते हैं, वो किसी को नहीं दिखाई देता, बस प्यार दिखाई देता है। प्यार भी अपनी कास्ट के लड़के नहीं मिलते क्या, क्यों करनी है अदर कास्ट में शादी, जब उस चीज से अगर हमारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है तो फिर क्यों करनी। और रही श्रद्धा की बात, अगर श्रद्धा भी 6 महीने पहले अपने पेरेंट्स की बात मान लेती, 6 महीने पहले अपने पेरेंट्स की बात मान लेती ना आफ्ताब के साथ आती, तो शायद आज वो भी जिंदा होती। लेकिन उसने आफ्ताब की बात नहीं मानी, उसने अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी, उसको तो सिर्फ उस टाइम पे आफ्ताब 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 ही दिखाई दे रहा था, सिर्फ यही होता है। आजकल भी से कुछ लड़कियों से लड़कियों को ये बात बुरी बहुत बुरी लग रही होगी, लेकिन उनको भी क्या है, इस टाइम अपने पेरेंट्स दिखाई नहीं दे रहे, बस जिस लड़के से प्यार करते हैं वही दिखाई दे रहा है, बाद में चाहे उसको मारे गाड़े, रोज मरती है। आज श्रद्धा मरी है, कल कोई अंकिता मरेगी, परसों कोई प्रियंका मरेगी, कोई ना कोई मरती है। क्या होता है कानून में, क्या होता है, ऐसा थोड़ा ना कि श्रद्धा के उसने पैर टुकड़े करे हैं तो उसके 1,000 टुकड़े हो जाएंगे, नहीं होने के, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया, वो लिव इन रिलेशनशिप। क्या अभी क्या इस कानून का क्या मतलब है, शादी हो ना हो लड़का लड़की साथ में रहो बस, चाहे एक के साथ एक पति एक मतलब एक हस्बैंड वाइफ है, चाहे वो हस्बैंड फिर किसी और के साथ भी रह ले, लिव इन रिलेशन में कानून कुछ नहीं कर सकता, ये तो एक कानून है लिव इन रिलेशनशिप। इस कानून ने कितने घर उजाड़ दिए और कितने और आगे उजाड़ेगा। जब चलो 25 साल बाद डिसीजन लेना सरकार को जाता है, सरकार डिसीजन ले लेती है लड़की के लिए भी लड़के के लिए भी, उस टाइम कहाँ जाता है कानून, जिस टाइम रात रात भर जाग कर पेरेंट्स अपने बच्चों की इच्छा पूरी करता है, उनकी ख्वाहिश पूरी करता है, अपने सब कुछ शौक छोड़कर उनकी इच्छा पूरी करता है, उस टाइम पे कहाँ जाता है कानून। उस टाइम पर कानून आता है हेल्प करने के लिए, उस टाइम पे कानून पूछता है खाना खाया नहीं खाया, तुम्हारे पास जूते चप्पल है कि नहीं है, उस टाइम कानून नहीं पूछता। 25 साल के बाद जब लड़का लड़की भाग के शादी कर लेते हैं तो उस टाइम कानून का हक हो जाता है, उस टाइम कानून का हक हो गया, उस टाइम सारे डिसीजन कानून लेगा, क्योंकि पेरेंट्स ने 25 साल तक के तुम्हारे नाके होटल खोले हुए हैं कि तुम्हारे दिन रात कमाएंगे खुआएंगे तुम्हारे लिए, और फिर बाद में तुम डिसीजन सरकार के ऊपर छोड़ दोगे। ये डिसीजन तो माँ बाप का ही होना चाहिए। और जो लड़कियां, मैं कहती हूँ 1% तो हो सकता है कि सक्सेसफुल हो जाए, पेरेंट्स को गलत साबित कर दे, लाइफ में अच्छे से जिए, लेकिन लेकिन 99% ये गलत निकलता है, पेरेंट्स की ही जीत होती है, पेरेंट्स सही निकलते हैं, बच्चे धोखा खा जाते हैं।
पेरेंट्स की बात मानो, पेरेंट्स हमारे लिए गलत डिसीजन कभी नहीं लेते, वो हमारे लिए हमेशा अच्छा डिसीजन लेते हैं। और हम अरेंज मैरिज करते हैं, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कह सकते हैं अपने पेरेंट्स को कि आपने लड़का देखा था, आपने शादी की थी। लेकिन लव मैरिज में पेरेंट्स का फिर कोई भी रोल नहीं होता। तो जिनको मेरी बात बुरी लग रही है, लगने दो, मैं सच बोलती हूँ और सच बोलती रहूंगी। मैं हमेशा सच के ऊपर वीडियो बनाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। मैं इसलिए श्रद्धा केस के ऊपर नहीं बोल रही थी बिल्कुल भी कि हाँ गलत हुआ उसके साथ, 35 टुकड़े हुए उसके, बहुत गलत हुआ उसके साथ, होना नहीं चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्यों क्यों आई थी आफ्ताब के चक्कर में अपने पेरेंट्स को छोड़कर? ऐसा क्या प्यार हो गया था कि अपने माँ बाप का प्यार नहीं दिखा उस प्यार के चक्कर में? आज एक श्रद्धा मरी है, कल होर मरेंगी। अगर नहीं सुधरोगे तो ऐसे ही मरोगे। अपना सेल्फ, अपनी, अपने आप की सुरक्षा, सुरक्षा अपने हाथों में होती है। अपने आप सीखो, अपने आप करो, कोई कानून कोई हेल्प नहीं करता। अपने आप इतने, अपने आप एक ऐसे सेल्फ डिपेंड बनो कि कोई तुम्हें कुछ कर ही नहीं सके। और बोलते हैं कि श्रद्धा 6 साल से सब कुछ झेल रही थी, 6 महीने सब कुछ झेल रही थी, वो पहले से उसको मारता था पीटता था, फिर क्यों सह रही थी? पागल थी, दिमाग काम नहीं कर रहा था। ऐसा कौन सा प्यार हो गया था कि सिर्फ वही वही नजर आ रहा था, वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था? तो मैं इस टॉपिक पे इसलिए कुछ नहीं बोल सकती थी। गलती है, आफ्ताब ने उसे बहुत बुरी तरह मारा, बहुत ज्यादा गलती है। उसको तो उसके 1,000 टुकड़े कर देने चाहिए, उसके 35 टुकड़े कर देते। लेकिन गलती श्रद्धा की भी है, मैं ये नहीं कहूंगी कि श्रद्धा की गलती नहीं, गलती श्रद्धा की भी है। गलती लड़कियों की भी होती है, क्यों भकाई में जाते हैं? और जैसे एक बात मैंने नोटिस भी की और ये बात मैंने सुनी भी है, जैसे कोई किसी आपस में झगड़ा हो रहा है लड़का लड़की का, और कोई तीसरा आके पूछ भी ले कि भाई तूने इस लड़की को कैसे क्यों मारा, तो बोलते हैं पर्सनल मैटर, ये हमारा पर्सनल मैटर है। जब पर्सनल मैटर हो जाता है फिर तीसरा उसमें बोल ही नहीं पाता है, फिर तीसरा बोल के क्या करेगा उसमें? और मैं इस मैटर पे कुछ नहीं बोलना चाहती। अगर आपको ठीक लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर अच्छी ना लगी हो तो एज यू विश। जो इसलिए मैं इस टॉपिक पे कुछ बोलना चाह रही थी क्योंकि तो फिर लोग लिव इन रिलेशनशिप ही फला रिलेशनशिप ये नहीं देखते कि माँ बाप पर क्या बीतती होगी, माँ बाप पर क्या होता होगा इन सबसे। बस भाग जाओ एक बार, हम तो भाग गए, हम तो लड़के के साथ मजे में रह रहे हैं। ये नहीं देखते जो घर मरे माँ बाप है उनको कितनी गालियाँ सुननी पड़ रही है, उनको कितना नीचा देखना पड़ रहा है समाज के सामने। चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एक बार फिर से राम राम सारा ने।